चाणक्य बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत बड़े संकल्पवान थे। विचारकों ने बताया है कि चाणक्य एक बार पैदल जा रहे थे, नंगे पांव थे। प्राचीन समय में लोग प्रायः नंगे पांव चलते थे, उस समय सड़कें भी ठीक नहीं थी, कांटे खोभरे ये सब चुभ जाते थे। राजस्थान में कई लोग कांटा निकालने वाला वो मोचना रखते थे, काठमांडू में भी रखते थे। मैं गया था तो वहाँ भी बहुत कांटे चुभ गए थे, तो वहाँ काठमांडू के साधु मेरे पैर से भी कांटा निकालते थे। वो रखते थे औजार जेब में ही, जब चुभे तुरंत निकाल दो। जूते चप्पल का इतना डेवलप नहीं हुआ था, अब तो बहुत जूते चप्पल है, इतना जूते चप्पल है पैर में तो पहनने के लिए कमी नहीं। कितने लोगों को सिर के लिए भी मिल जाते हैं जूते चप्पल, खोपड़ी पर भी मिलते हैं, गलती करते हैं बहुत जूते चप्पल मिलते हैं। एक जमाना था पैरों के लिए भी मुसीबत थी मिलना, अब तो सिर का भी सौभाग्य है, नीचे भी चप्पल और सिर पे भी चप्पल और पीठ पर भी चप्पल, दे दमादम चप्पल, खोप करो गलती हो जितनी चाहो उतनी ले लो चप्पल। तो अब संपन्नता है, परंतु आदमी परेशान अब ज्यादा है। पहले रिश्तों का भी महत्व तो ज्यादा रहता था, मर्यादाएं रहती थी। वर्तमान में रिश्तों का भी इम्पोर्टेंट कम होता जा रहा है, मर्यादाएं भी कमजोर होती जा रही है, इसलिए दुख बढ़ते चले जा रहे हैं। तो चाणक्य से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है, इसमें संख्या ज्यादा है, बहुत लोग गृहस्थ हैं, और गृहस्थ होना कोई गुनाह नहीं है और संत होना कोई अपराध नहीं है। हंसने वाले तो सबको हंसते हैं, तुम संत बन जाओ तो भी हंसते हैं कि घर में खाने को नहीं होगा इसलिए संत बन गए। लोग अपने आप परिभाषा निकालते हैं, उनको पता कुछ नहीं। कोई कहता है अरे नारी मुई संपद गृह नासी, मोड़ मुड़ाई भय सन्यासी, मुई नारी गृह संपद नासी, मोड़ मुड़ाई भय सन्यासी। कहते हैं इनकी स्त्री मर गई तो मोड़ घोटाए लीन और सन्यासी हो गए, सब सत्यानाश कह के आए हैं सन्यासी बने। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो जो ऐसी परिभाषा करते हैं वह सब ठेलुहा लोग हैं, ठेलुहा बोलता हूँ मैं इसको, हवाहव आदमी, जानता कुछ नहीं है, फालतू बात करता रहता है। कितने लोगों को गृहस्थी के लोगों की बहुत मजाक करते हैं, टंटिंग करते हैं, लेकिन नहीं, दोनों आश्रम अपना अपना महत्व रखते हैं। गृहस्थ आश्रम में सभी का जन्म होता है, कुछ लोग गृहस्थ आश्रम में जन्म लेकर बड़े होकर फिर गृहस्थ आश्रम में स्वीकार करते हैं, और कितने लोग गृहस्थ आश्रम में जन्म लेकर बड़े होकर शिक्षा संस्कार प्राप्त करके संत आश्रम को स्वीकार करते हैं, स्वेच्छा से अपना मार्ग चुनते हैं, और स्वेच्छा से मार्ग चुनने का सौभाग्य मनुष्य जीवन में ही है। आपकी जो इच्छा हो वो रास्ता चुन लीजिए। तो चाणक्य से पूछा गया कि गृहस्थ आश्रम में बहुत कलह कलेश है, बहुत राग द्वेष है, बहुत झगड़ा भी है, भाई भाई में झगड़ा है, बड़ा तनाव रहता है, ये गृहस्थ आश्रम कैसे धन्य होगा, ये आश्रम कैसे सफल हो सकता है। दुख इस सृष्टि में इतने ज्यादा है नहीं जितने ज्यादा लोग भोग रहे, दुख हो कुछ नहीं, ये सृष्टि दुख और सुख दोनों से मुक्त है। इस सृष्टि के अंदर दुख और सुख निर्मित करने की कला आपके हाथों में है, दुख और सुख का निर्माण सृजन करने की क्षमता आपके संस्कारों में, स्वभावों में, आपकी वाणी में, आपके चरित्र में है। भगवान किसी के लिए दुख नहीं बनाता है। लक्ष्मण ने निषाद राज को समझाया, निषाद राज को थोड़ा गुस्सा आ गया जब राम को देखा कुश की चटाई पर लेटे हुए। निषाद राज ने कहा कि राजा दशरथ ने ठीक नहीं किया, गलत बात, कई कई ने भी बहुत गलती किया, ऐसा उचित नहीं, ये माता पिता का कार्य,
बड़ी विचित्र बात, राजा दशरथ ठीक नहीं किए। लक्ष्मण ने कहा, मेरे मित्र आइए मेरे पास बैठिए, मैं आपको दो शब्दों में समझाता हूं ये दुख सुख कहां से आया। लक्ष्मण भी ज्ञानी थे, विद्वान थे, प्रवचनकार थे, ऐसे थोड़े महान हो गए कि भगवान के साथ में पीछे पीछे चल दिए तो महान हो गए। ना ना, अरे पीछे पीछे तुम गाय के पीछे पीछे तुम चल दो क्या गाय बन जाओगे, तुम फूल के पास खड़े हो जाओ क्या फूल बन जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम मेरे साथ खड़े हो जाओ तो क्या मेरे जैसे बन जाओगे, वो नहीं होता है। हमारे पास में एक मधुमक्खी रोज आती है, मक्खी भी आती है मधुमक्खी भी आती है, मधुमक्खियां भी नमस्कार करने आती हैं कि जय हो साहेब आपकी, खूब फूल लगवाया है, खूब रस चूसूंगी। मक्खी इसलिए आती है, कुछ लोग मीठा भेंट करते हैं तो उसको चाटने चूटने आती है, तो ये सब आती है। लेकिन याद रखना, वो मक्खी थोड़े महान बन जाएगी हमारे पास आने से, नहीं कुछ नहीं होगा। तो लक्ष्मण जी समझा रहे, हनुमान जी भी बहुत बड़े विद्वान थे, शिव जी बहुत विद्वान थे, पार्वती जी बहुत विदुषी महिला थी। ये पार्वती केवल ऐसा नहीं विवाह करके बस चकई के चकधुम मके के लावा तिकड़ी के तिकड़े में बनाती नहीं, घर में रोना धोना गाना लोना पोना सोना ऐसा नहीं, पार्वती बहुत विदुषी महिला थी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कोटअप करती थी शिव जी से, स्कंद पुराण में पूरा क्वेश्चन कोटअप किया है पार्वती जी ने शिव जी से। ये सटपट पति एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा, और ऐसे अरे गहरे नथु खैरे वगैरह पगैरे लगैरे को पार्वती जी पति बनाएंगी भी नहीं। देखो आपका ग्रेट जैसा होगा ना, पत्नी भी उसी ग्रेट की आपको मिलेगी। आप ये सोचो कि हम मूर्ख राज बने और पत्नी बहुत बुद्धि का भंडार मिल जाए, अगर धोखे से मिल भी गई तो तुम्हारे दो धक्के मारकर फिर से वापस हो जाएगी कि मूर्ख के साथ नहीं रहूंगी। कितने लोगों को छोड़कर चली गई, और कितनी मूर्ख स्त्री बहुत बुद्धिमान पति को प्राप्त करती है, वहां मूर्खता नहीं छोड़ती है, पति उसको त्याग कर देता है, चलो निकलो परमानेंट सॉल्यूशन तुम्हारा निकालूंगा मैं, आपको हटना पड़ेगा यहां से, यहां जरूरत नहीं। आप अपने ग्रेड को संभाले रहिए, क्वालिटी को संभाले रहिए, ग्राफ को संभाले रहिए। यही हाल शिष्यों में भी है, यही हाल गुरु में भी, ये सब सिद्धांत यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सब जगह लागू होता है, कॉमन सिद्धांत है। लक्ष्मण समझा रहे हैं कि हे निषाद राज, काहू न को सुख दुख कर दाता, निजे कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब गाइए, दोहराइए, तिहराइए, चौहराइए, चार बार गाओ क्या फर्क है, अंदर तक बैठ जाना चाहिए। बोलो काहू न को सुख दुख कर दाता, क्या अर्थ है, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं। जब तुम्हारा कोई अपमान करता है तुम उससे नाराज हो जाते हो, कहते हो इन्होंने मेरा अपमान किया, धरती पर किसी के क्षमता नहीं तुम्हारा अपमान कर सके, तुम्हें दुख दे सके, तुम्हें कुछ भी, कहीं ना कहीं तुम्हारी त्रुटि है, भूल है, मिस्टेक है, गड़बड़ी है, तुम्हारी गलती के कारण अपमान तुम्हारे पास आया है। याद रखना उस आदमी के माध्यम से आया है, लेकिन आपकी गलती थी इसलिए आया है। अपनी गलतियों को सुधारिए, मिस्टेक को करेक्शन कीजिए, अपमान नहीं आएगा, कोई व्यक्ति आकर तुम्हारा सम्मान करेगा। लोग कहते हैं उन्होंने हमारी चुगली खा दी, अरे चुगली वाला रखे क्यों आइटम हो तुम जो कोई चुगली खा दे। लोग कहते हैं हमारी बात उनसे बता दिया, ऐसी बात रखा क्यों तुमने, चुट्टा कहीं का फालतू बात करता है,
अब उसके पीछे पड़े हैं, तुमने क्यों बताया? अब ये नहीं कहते मैंने ऐसा कर्म किया क्यों, अपने को डांटो ना, कमरे में ले जाकर दो थप्पड़ मारो अपने गाल पर शीशा के सामने। स्वयं को कोई डांटता नहीं, स्वयं से बात करो। दूसरों से बहुत बात कर चुके हो, खुद से भी बात करना शुरू करो। दूसरों को बहुत डांट चुके हो, सुधार चुके हो, खुद को डांटना फटकारना शुरू करो, खुद को डिसिप्लिन में लाना शुरू करो। खुद के लिए दृढ़ संकल्प लो कि मुझको ऐसा करना है, और जिस चीज में तुम्हारा मन रुकता नहीं है उसके लिए कसम खा लीजिए कि ऐसा करना ही नहीं है, तब आप सफल हो जाओगे। कसम खाने के लिए वहां गंगा जी में नर्मदा जी में जाने की जरूरत नहीं, ना हरिद्वार ना कहीं जाने की जरूरत है, उससे कुछ नहीं होगा। कसम तुम जहां हो वहीं खा लो, कसम खाओ। कितने लोग कसम भी खा लेंगे कि मांस मछली नहीं खाऊंगा, और तीन दिन बाद मांस मछली भी खा लेंगे। कसम भी हजम, मांस मछली भी हजम, ये किस मॉडल की कसम? कसम की कोई रसम रखो, शपथ। जब नेताओं को मिनिस्टर बनाया जाता है तो वे शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के सामने, राज्यपाल के सामने, कि मैं भारतीयता की शपथ लेता हूँ, ईमानदारी विश्वास के साथ इस देश की सेवा करूँगा। वो लिखा रहता है, उसको पढ़ देते हैं। सभी नेता बैठे हैं, सभी साइलेंट रहते हैं, और सभी जानते हैं करना तो उल्टा ही है, जो बोलना है शपथ वपथ बोल दो। राष्ट्रपति की ऐसी तैसी क्या कर लेगा ये राष्ट्रपति है, मैं इसके ऊपर पति हूँ, ऐसी दुर्गति करूँगा देखे देखे नहीं जाएगी। खूब घोटाला, खूब लफड़ा, खूब बवाल बना बना के रखते हैं, पूरी पार्टी को डुबा दिया लोगों ने। मैं निवेदन करूँगा, आप जितना अच्छे इंसान बनोगे, हर फील्ड में अच्छे इंसान की आवश्यकता है, हर क्षेत्र में अच्छे व्यक्ति का बहुत बड़ा महत्व है, साधु लाइन में भी बहुत महत्व है अच्छे लोगों का। मैं जब यहां साधु बनने आया तो मेरे गुरुदेव बड़े खुश हो गए, मुझे देखा पैंट शर्ट में, मैं बोला तुरंत मैं साधु बनूंगा, गदगद हो गए कि पहला व्यक्ति जो है सब दबंग बोला कि साधु बनूंगा। संचालक साहब को बोला मैं साधु बनूंगा, संचालक साहब खुश बोले आ जाओ। दो तीन दिन में मुझको परखा, दो तीन दिन के बाद वो पैसा वाली झोली मुझको थमाया कि इसको तुम पकड़ो, ये व्यक्ति इतना अच्छा मिल गया हमको। फिर उन्होंने देखा पैसा वैसा की झोली पकड़ने से ज्यादा इसके पास गुण है, छोड़ो इससे हटाओ, उसको कैंसिल किया। फिर मार्केट ले गए दो चार बार हमको सामान खरीदने में, कुछ जिस दुकान पर पहुंचते थे वहीं में प्रवचन सुना देता था, तो वो पैसा देकर खरीदते थे, हमको फ्री मिल जाता था दान में। बोले ये मार्केट के लायक व्यक्ति नहीं, इसको और ऊपर जाने लायक है, समझ गए। संचालक साहब बड़ा सिंसियर मैन थे, वो तो अब बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, माइंड काम कम करता है, लेकिन पहले वो बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत डिसिप्लिन रखते थे। फिर मुझे खेत में भी एक दो बार ले गए, भाई हर व्यक्ति अपने बेटे को सिखाता है, ये सीख ले वो सीख ले, देखो किस में मन लग जाए, हर गुरु अपने चेले को सिखाता है, ले गए। वहाँ एक दो दिन में ही देखा, क्योंकि मैं कामचोर नहीं था, निकम्मा नहीं था, लापरवाह नहीं था, चंडाल आदमी नहीं था, जहाँ लगा देते थे वहाँ लगता था मन से, तो उन्होंने सोचा ये तो इससे ऊपर उठने वाला व्यक्ति है, तो वहाँ से भी हटाया हमने। फिर भक्तों के बीच में ले गए तो उनको लगा हाँ यहाँ सेट होने लायक है, वहाँ तुरंत सत्संग भजन शुरू कर दिया हमने। काठमांडू ले गए, राजस्थान ले गए, गुजरात ले गए, छत्तीसगढ़ ले गए, सब घुमाया दिखाया। मेरा संस्कार ही था सत्संग का, भक्तों के बीच का, पूर्व जन्म का संत था, और तुम लोग पूर्व जन्म में भी मिले थे, अभी नाम हिमांशु है, उस समय नाम कुछ और होगा। तो उसमें देखा कि तीव्र गति पकड़ रहे हैं, उसके लिए मुझे इंतजाम दिया, उस कार्य में लगाया, और बहुत खुश हो गए। दो एक साल के बाद इस आश्रम का बोले तुम्हें उत्तराधिकारी चुन देता हूं। मैंने कहा जल्दी क्या है, परख लो, जांच लो, समझ लो,
कहीं धोखा हो जाए, गलत आदमी को चुन दो, बात को फंस जाओगे, क्या फायदा मुझे चुनने से, मैं तो बिने चुने चुनाए ऐसे ठीक है। गद्दी धर बनने के बजाय गद्दी उद्दी में कुछ नहीं है, गद्दी पर रद्दी लोग बैठ जाते हैं, गद्दी की भी भद्दी मार देते हैं। हम तो बिना गद्दी के गद्दा पर सोने वाले हैं और हम तो बहुत कुछ करने वाले हैं, हमको गद्दी वद्दी से ज़्यादा कुछ लेना है। कितनी 500-600 साल पुरानी गद्दी इतनी रद्दी हो गई कि उसकी भद्दी भी हो गई, क्योंकि वहाँ जो बैठे हैं लोग ना रद्दी लोग बैठे हैं, गद्दी क्या करेगी। आप अपने बाप की गद्दी पर बैठ जाओ, दादाजी की गद्दी पर बैठ जाओ, आप रिलायंस सिस्टम की गद्दी धर हो जाओ, आप किसी आश्रम के महंत हो जाओ, मठाधीश, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप में क्या क्वालिटी है, आप कितने इफेक्टिव हैं, कितने इंप्रेसिव हैं, कितने पॉजिटिव हैं, उसका भी इम्पोर्टेंट है। गुरुदेव जी ने कहा ठीक है, फिर भी ठीक है। तो हमने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं, मुझे तो काम करना था, सेवा करना था, गद्दी वद्दी का अभी हमको पता ही नहीं चला मेरी गद्दी यहाँ है कहाँ लगी, 10 जगह तो बिस्तर बदल थे हमारे। कहीं यहाँ बैठता हूँ, कहीं वहाँ बैठता हूँ, कहीं उधर बैठता हूँ, कहीं उधर, कोई ठिकाने नहीं है। और जिस गद्दी पर मैं बैठता हूँ उस पर मक्खी भी बैठ जाती, वो भी गद्दी धर हो गई। उससे कोई गद्दी धर, आप में गुण होना चाहिए। कहते हैं सिंह जब पत्थर की चट्टान पर बैठ जाता है तो पत्थर की चट्टान को भी सिंहासन कहा जाता है, और सियार अगर सिंहासन पर बैठ जाता है तो सिंहासन को भी महत्व गिर जाता है और सियार को हटाकर भगा दिया जाता है। इसलिए सियार मत बनो, सिंह बनो, जहां बैठ जाओ वो जगह सिंहासन हो जानी चाहिए। चलिए प्रसंग दूर दूर तक ब्रांच लेकर चला जाता है। चाणक्य क्या कह रहे, सानंदम सदनम सुतास्तु सुधिया। अर्थ भी समझना, मेरे पीछे दोहराना श्लोक है, बहुत सरल है, चाणक्य नीति से सरल श्लोक और कहीं नहीं, बहुत सरल, संस्कृत में सबसे सरल चाणक्य नीति है। और सबसे कठिन वेद है संस्कृत में, और वाल्मीकि रामायण बहुत कठिन है, प्रोनंस करना बहुत कठिन। कांता प्रिया गाइए रामपाल कोटा वाले साहब। इच्छा पूर्ति धनुम सोयोषितरति सेवकः, इच्छा पूर्तिम धनम सोयोषित रति स्वज्ञा परः सेवका। आतिथ्यम स्योपूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान पानम गृहे, आतिथ्यम स्योपूजनम प्रतिदिनं मिष्ठान पानं गृहे, साधो संगम उपासते सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः।
साधो संगम, कोई मेरे संग नहीं बोल रहा, क्यों? क्योंकि मैं असंग हूं, कौन संग करे, कौन गाए मेरे संग, पहले से असंग है आप, अकेले रहो, गाओ अकेले, संगम बताओ चाहे जो बताओ। साधो संगम उपास्ते सततम धन्यो गृहस्थाश्रम सानंदम सदनम सुतास्तु सुधिया कांता प्रियालापिनी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। किसी को नींद तो नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो नींद को समझाइए कि 9 बजे रात को आए, बेटाइम मत आए, अभी उसका स्वागत मत करिए। तो नींद कैसे समझेगी, जैसे समझे तैसे समझाओ, तुम्हारी नींद है तुम समझाओ। थोड़ा सा आँखें बंद करके ऐसे उंगली करके भी लगाइए, 10 मिनट के लिए समझ जाएगी, या पानी से मुँह धोइए तो समझेगी, या कि पानी पीजिए तो समझेगी, और या कि जाइए और सो जाइए तो पूरा समझ जाएगी। निद्रा देवी। और सत्संग में नींद आए तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य, मत सोना। साहिब बंदगी बोलो। साहिब बंदगी। आज के यजमान को पुनः व्यास गादी धन्यवाद देती है। प्रातःकालीन के यजमान श्री सुरेश गणेश जी और उनकी धर्मपत्नी उनके माता पिता श्री रमेश गणेश, मोहबाई गणेश, बड़ा भाई भूपेंद्र गणेश, राकेश गणेश, पत्नी मश्रीबाई गणेश, पुत्री काजल गणेश, मनीषा गणेश, पुत्र कन्हैया गणेश, शिवराज गणेश, चंद्रशेखर आजाद नगर भावरा अलीराजपुर मध्य प्रदेश। आज मध्य प्रदेश का ही आयोजन है, बड़ी मिर्यावाट धन्य हो। मध्यान्ह से सायंग तक आज के यजमान हैं महान भक्त श्री अजब सिंह सिसोदिया साहब। स्क्रीन में देखिए उनका दर्शन हो रहा है, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती संतोष बाई सिसोदिया, उनके पुत्र श्री हिमांशु सिसोदिया। हिमांशु के लिए ताली बजाइए। आज हिमांशु 2 मिनट इंग्लिश स्पीकिंग देंगे लास्ट में। आश्रम में कैसा अनुभव हुआ, फीलिंग पे स्पीच होगी, ठीक, आना पड़ेगा थोड़ी देर में, अभी पहले से इसलिए बता दिया, जो भी घबराहट है सब हड़बड़ी सब खत्म हो जाए पहले से। जैसे मनुष्य को पहले से पता चलता ना ट्रेन आने वाली है, तो ट्रेन का इंजन जैसे धक धकाता है तो उसका दिल भी धक 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 करता है कि आएगी, बैठ पाऊंगा कि नहीं बैठ पाऊंगा, छूट ना जाए, अरे कहाँ रुकेगी, डिब्बा कहाँ मिलेगा, बड़े बड़े लोग घबरा जाते। तो ऐसे पहले से बता दिया कि तुम्हारी ट्रेन आने वाली है, नंबर आने वाला है, तो जो भी धक पकाहट है सब पहले से खत्म हो जाएगी, ठीक। ये
ढकपकाहट नहीं है, गुरु जी का आशीर्वाद है, हमारे वो हैं, हम उनके हैं। बोलने में चुक भी जाएंगे तो भी क्या है उसमें, जैसे दूध पीना है कोई गिलास में देने के बजाय कटोरी में दे दे तो क्या फर्क है, अपना ही आदमी है, चलो कटोरी में पी लेंगे। कोई कटोरी के बजाय लोटा में ही दे दिया, कोई बहुत फूहड़ पत्नी है तो बाल्टी ही ला कर धर दिया इसी पी लो, चलो कोई बात नहीं है तो दूध ही क्या फर्क है। आज हमारे एक भक्त का जन्मदिन है, जन्मदिन की उनको हम बधाई देते हैं। नई दिल्ली के निवासी हैं आप, नियर स्टार पावर जिम, सोनिक इलेक्ट्रिक, HNB 14 गली नंबर 9, निवास महावीर मौर्य। गुरु जी को बारंबार प्रणाम, साहब बंदगी गुरुदेव। कुमारी खुशी मौर्य का आज जन्मदिन है, अपने श्री मुख से आशीर्वाद देने की कृपा करें, ऐसी चिट्ठी आई है। आपकी बेटी का नाम भी बहुत अच्छा है, खुशी, आपके घर में खुशी आई हुई है, चिरंजीवी भव, बुद्धिमान भव, कीर्तिमान भव, भक्तिमान भव का आशीर्वाद मैं अपने गुरुदेव से मांगता हूँ, श्री क्षमादेव जी से। आपकी बेटी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और यशस्वी बने, बुद्धिमान बने और आप सबके नाम को रोशन करें। कुमारी खुशी को जन्मदिन की सत्संगी भाइयों बहनों की ओर से, समस्त YouTube और मोबाइल में सत्संग सुनने वाले करोड़ों श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद दिया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। साहिब बंदगी, साहिब अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। मैं छत्तीसगढ़ में एक गांव में गया था, हथबंद गांव, तो बहुत घरों में लोग ले गए मुझको, तो हर घर में महिलाएं स्वयं गाती थी, आरती करती थी, तो कुछ लोग आरती गाते थे, कुछ लोग उनको जो भजन याद गा देते थे। एक घर में ये भजन गा रही थी महिलाएं, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। आज हमारे महान भक्त छत्तीसगढ़ प्रदेश जसपुर ग्राम कुनकुरी, उनके पुत्र गुलशन सिंह का जन्मदिन भी है, उनको भी हम पूज्य श्री क्षमादेव की ओर से, आप सब की ओर से शुभकामना प्रेषित करते हैं। स्वर्गीय प्रभुदयाल सिंह, पत्नी गोमती देवी, पुत्र गुलशन सिंह के जन्मदिन है आज। गुलशन जिंदगी मधुबन भी है और जिंदगी गुलशन भी है, चूक जाओगे अगर तो जिंदगी दुश्मन भी है। अपनी जिंदगी को गुलशन बनाने के लिए सत्संग से जुड़े रहना, आपके जीवन में सुख शांति और उन्नति का वातावरण बनकर तैयार हो, ऐसा व्यास गादी आपको बधाई देती है। जन्मदिन शुभ हो, हैवी बर्थ, क्या बोलते हैं, हैवी बर्थ है, हैवी बर्थ डे, यही हु यू वू ऐसा भी बोलते हैं उसमें, मैं देखा हूं
धन्यवाद गुलशन सिंह आपको, आपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में 1100 की दक्षिणा भी भेजा है कि आश्रम के विकास में लगा देना। मेरा जन्मदिन सार्थक, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, आश्रम का विकास होगा। आज के यजमान श्री सिसोदिया जी मुझसे कह रहे थे कि आश्रम सुंदर है गुरुदेव, बहुत अच्छा लगा। और इसको हम जब यहाँ रहते हैं ना, इसको सुंदर ही करते चले जाते हैं, काम बंद करना ही नहीं, चालू रखो, फूल लगाओ, पौधा लगाओ। ये देखिए सुखद भंडारा सत्संग 26 जुलाई, अजब सिंह सिसोदिया जाए, क्या बात, इतना सुंदर होर्डिंग बनकर आ गया, कमाल है, लगता धार में पहुंच गए हम, धार की धारम डूब गए, क्या बात, संत लोग भी गजब है। आपका नाम अजब है, मेरा फोटो दोनों हाथ ऊपर उठा के गजब है। अजब के साथ गजब कर रहे गुरुदेव। वो मेरा साधु भी शर्मा जाता, मुंह में हाथ लगा के हंसता। धन्य हो, धन्य हो विजय भाई भगत, 27 जुलाई को भगत जी। विजय भाई वो गुजरात वाले, मैं उसको कभी पटेल नहीं बोलता। एक दिन पहली बार बोला कि विजय भाई पटेल साहब कुशल मंगल, तो वो बहुत हंसे कि गुरुदेव कभी पटेल नहीं बोलते थे, आज पटेल साहब बोला कैसे। आज मैं उसको देखा, उसमें लिखा विजय भगत, अभी एक और मिल गया। वो ऐसे उदा पटेल हैं, उदा पटेल में सभी लोग भगत ही होते हैं। एक क्लास के ब्राह्मण के रूल्स अनुपालन करते हैं उदा पटेल भगत, बहुत टाइट रूल होते हैं उनके, बहुत पवित्रता, शुद्ध शाकाहारी, सब भक्ति में लगे रहते हैं, सत्संग में चुस्त कबीरपंथी हैं वो लोग, राम कबीर को मानने वाले हैं, 80% लोग सब फॉरेन में हैं वो लोग, पूरे गांव के गांव खाली हो गए हैं, अब चाहे जिस गांव को पूरा आश्रम हम ही बना देंगे, पूरा गांव अपने कब्जे में, सबके घरों में झाड़ू लगाओ, सबके घरों में प्रवचन करते रहो, वहीं भगत ठहरते रहे, सब लोग एक एक चाबी हमको दे देंगे। मैंने एक भगत से कहा कि एक मकान हमें किराए से लेना है, किराए का आश्रम बनाना है गुजरात में। बोले किराए से क्या करोगे, 4-6 घर ऐसे ही दे देंगे आपको, उसमें रहो, सफाई करो, प्रवचन करो। तो हमने कहा चलो अच्छा ठीक है। वास्तव में आश्रम का भी बहुत महत्व है। दूसरे हमारे 27 जुलाई के यजमान हैं औरंगाबाद मथुरा उत्तर प्रदेश, देशराज सिंह। वाह बहुत सुंदर फोटो आ रहा है, ये तो आज ही मैंने देखा, इस तरह का होर्डिंग आ रहा है, कमाल है। ये संत लोग इस बस के अंदर यही सब काम करते रहते लग रहा है, हम सोचते रहे निकलते क्यों नहीं बाहर है, उसके अंदर क्या यही आइटम बनाते रहते, जैसे कोई लेडीज रसोई से बाहर न निकले तो समझ लो वो अगर नहीं निकली है तो उसमें से आलू बंडा निकलेगा, या तो उसमें से समोसा निकलेगा, पूड़ी पराठा निकलेगा, कुछ कोई नया आइटम निकल आएगा, ऐसा आइटम निकल रहा है। धन्य हो, धन्य। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, सब लोग आइए। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। ये सदगुरु भगवान की जय। शानंदम सदनम, वह गृहस्थ आश्रम धन्य है जिस घर में सुबह से लेकर शाम तक, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आनंद ही आनंद रहता है, कलह कलेश नहीं होता है, राग द्वेष नहीं होता है, क्रोध और विरोध नहीं होता है, एक दूसरे की ओर से अनुरोध होता है, विनम्रता होती है। शानंदम सदनम,
घर बनाना आसान है लेकिन घर में आनंद पैदा करना कठिन। घर तो बहुत लोग अच्छे से अच्छा बना देते हैं लेकिन उसमें आनंद बिल्कुल नहीं है। बहुत कलह कलेश है, बहुत राग द्वेष है, बड़ी उलझन है और घर ही में ईर्ष्या बहुत है, घर ही में सब वाद विवाद प्रलाप वार्तालाप फालतू बात उत्पात खुराफात सब भरा हुआ है। घर एकदम कचड़ा पेटी हो गया। घर बनाने से पहले घर के अंदर आनंद भी बनाना सीखो। मंगल मूल अमंगल दमनु, आपका घर मंगल भवन होना चाहिए। जैसे अयोध्या में कनक भवन था, लंका में सोने का भवन था, सोने की लंका, कृष्ण की द्वारिका सोने की द्वारिका, कोई बुरा नहीं। सोने का भवन बनाइए, सोने का चश्मा का फ्रेम बनाइए, सोने की चैन पहनिए, सोने की जंजीरा पहनिए और सोने के कड़ा छड़ा हथकड़ा झांझड़ा बंद कड़ा खुला कड़ा लड़ा पड़ा सब पहन लो, कोई हर्ज नहीं। सोने के कुंडल पहनो, सोने का कमंडल रख लो, लेकिन आपका घर सुंदर है, घर वाले भी सुंदर होना चाहिए और शरीर से भी साफ सुथरा रहे, मन भी सुंदर हो, विचार सुंदर, स्वभाव सुंदर, कर्म सुंदर, चरित्र सुंदर, दिनचर्या सुंदर, सब व्यवस्थित, तब आपके घर में आनंद पैदा होगा। ये आनंद ऐसे नहीं पैदा होता। आनंद के लिए क्या करना पड़ेगा, अब सारा आगे बताऊंगा कि आनंद के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ये बहुत विस्तार, बड़ा श्लोक है, ये चार लाइन में है, इसलिए लंबा गाया हूं मैं, ये आज कुछ हो ही नहीं पाएगा। आज तो खाली स्टार्टिंग है, कल इसका होगा फाइनल जाकर कुछ। ऐसे तो ये 20 दिन इसी पर प्रवचन चलेगा, 3-4 दिन और कर चुका हूँ अभी और बाकी है। इसमें बहुत गहरा है, चाणक्य की बुद्धि का खेल है। सानंदम सदनम सुतास्तु सुधिया। चाणक्य की बुद्धि को समझिए आप। चाणक्य कहते हैं वह घर आनंद पूर्ण हो सकता है। पहला पॉइंट सुतास्त सुधिया। सुतास्त मतलब क्या होता है, जिस घर के पुत्र, सुत माने पुत्र होता है संतान, सुधिया माने सुंदर बुद्धि की धनी है। जिस घर की संतान बुद्धिमान है, इंटेलिजेंस ब्रिलियंट है, टैलेंट है, जिसके घर में ऐसे पुत्र और पुत्री है, बहू है, बुद्धिमान बहू, बुद्धिमान पुत्र, और बुद्धिमान होने के साथ साथ उनकी बुद्धि में सद्बुद्धि भी है, सद्बुद्धि, बुद्धि में विवेक भी है, केवल बुद्धि नहीं, सुधा सुधिया, सुधिया शब्द लगा है, संस्कारी बुद्धि है, वो घर में आनंद जन्म होने की संभावना है। संभावना है किस घर में, जिस घर के संतान बुद्धिमान होती है, बुद्धिमान, और बुद्धिमान की पहचान क्या होती है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक, उसकी सभी दिनचर्या कार्य क्रियाकलाप यथोचित संपन्न हो रहे हैं। बिजनेस में भी ठीक है, घर को संभालने में भी ठीक है, मेहमान को भी संभाल लेता है, अपने सामान को भी संभाल लेता है, परिवार को भी संभाल लेता है,
सब को संभालता है, समझ लो ये बुद्धिमान है, लास्ट में खुद को भी संभालता है। घर में कोई दूसरा बीमार हो जाए उसका भी ट्रीटमेंट करा देता है, खुद बीमार हो तो खुद का भी ट्रीटमेंट करा लेता है। कितने लोग बीमार हो जाते हैं तो दूसरों के ऊपर बहुत नाराज होते हैं कि मुझे कोई पूछा नहीं कि बीमार हो, क्या हो, कितना बुखार है, कब से आया है और कितना उतरा है, कितना चढ़ा है बुखार, और कोई हमको सोहराया नहीं, कोई लल्लू राम बनाया नहीं, लल्ली देवी कहा नहीं, कोई हमको गर्म पानी लाकर दिया नहीं। गुस्सा भरती जा रही है कि हम बीमार हो गए, कोई ख्याल नहीं किया, दवाई लेने भी कोई नहीं गया। अब ये सब बुद्धूपने का काम है। छोटी मोटी बीमारी है, खुद दवा ले आइए, खुद सेटिंग करिए। मुझे कभी याद ही नहीं कि मेरी दवा कोई मेरे गुरुदेव लाए हो, मैं तो सबकी भी ला देता हूँ और सब अपना भी सेटिंग कर देता हूँ। उसमें क्या लफड़ा डालना, दूसरे के मत्थे नाराज हो, चेला से हो, गुरु से, सबका भी कर देंगे मैनेजमेंट, अपना भी कर लेंगे, उसमें लल्लू राम क्यों बनना है। अपना भी मैनेजमेंट करो, सबको खिलाओ और तुम खुद भी खा लो। ये इंतज़ार मत करो कि हमको किसी ने पूछा नहीं, हम 10 साल से सबको भोजन बनाते हैं, खिलाते हैं, क्या हमको नहीं पूछना चाहिए, हमसे भी पूछना चाहिए तुम खाए कि नहीं खाए। अरे ये लल्ली रानी मत बन, पूछने की जरूरत नहीं, पूछने से पहले तुम खा लो फटाफट, बात खत्म। घर में क्या पूछना है, मन सोहरों ना नहीं बनावे। कितने लोग इसलिए दुखी रहते हैं कि हमको कोई पूछा नहीं चाय पीने के लिए। अरे तुम घर के आदमी हो, अपने आप पी लो, उसमें पूछना क्या। घर के आदमी हो, अपने आप व्यवस्था जमा लो। घर ही में रोज पूछते रहोगे तो बहुत समस्या खड़ी होगी, टाइम बर्बाद हो जाता है। सेल्फ स्टार्ट रहो, मन सोहरों ना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जानी के बंध तजते सूरा। मन सोहरों ना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे। विशाल देव कहते हैं मन को सोहरौना मत बनाइए और स्वयं सहनशील बनकर रहिए। गम भी खा लीजिए, एडजस्ट भी कर लीजिए, मन को सोहरौना मत बनाओ। सुता सुधिया, जिस घर में बुद्धिमान संतान है, बुद्धिमान पुत्र है, बुद्धिमान बहू है, बुद्धिमान पोता है, बुद्धिमान पोती है, जो घर बुद्धिमानों से भरा हुआ है, बुद्धिमान है लेकिन बुद्धि का अभिमान नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है बुद्धि का अभिमान आ जाता है कि आई एम इंटेलिजेंस माइंड, तुमने क्या समझ रखा हमको, तुम्हें सुधार दूंगा। अरे आपका इंटेलिजेंस माइंड है, हमको भी जीने दो उसी घर में। तो बुद्धिमानी का खेल यही है, कम बुद्धि वालों को भी लेकर चलना। बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है वो सबको जोड़कर, समझाकर, बुझाकर, एक नेटवर्क बनाकर, टीम तैयार करके काम करता है और टीम का मनोबल बढ़ाता है, स्वयं सही डिसीजन लेता है, फिर भी सबसे सलाह भी ले लेता है, सबकी सुन भी लेता है। मैं तो भक्तों से भी सलाह लेता हूँ, हम किसी भगत को कम नहीं समझते, हम समझते ये भी चतुर है कुछ। आज पूछ रहा था मैं, एक अभिषेक यादव जी थे बेहमा चौकी सिधौली से, दुर्गा पुस्तक भंडार, बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, अभी अनमैरिड हैं। तो कह रहे थे कि गुरुदेव हम आपको बहुत मानते हैं और हमको थोड़ा आप आशीर्वाद दो, धनवान तो बना हूँ आपके आशीर्वाद से, लेकिन थोड़ा और बढ़ जाओ तो करोड़ों का दान तो हम ही कर देंगे।
और उसने एक बात कही, बोले एक बात गुरुदेव निवेदन है कि आश्रम में एक टीन शेड का हाल और बने जिसमें भगत लोग सब सोएं रहें। ये कमरों वाला खेल बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे लोग सो जाएंगे, कुछ कमरे भी रहेंगे और बाकी हाल हो जाए जिसमें 1000 लोग सो जाएं। और सब तरफ से कूलर रख दीजिए चार चार, और पंखे लग जाएं, और जाली लग जाए, कुत्ता बिल्ली ना घुसे, हवा खूब आए, और गुरुदेव परिवार के साथ उसमें हम लोग सोएंगे तो अच्छा लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बताया। तो हमने कहा ठीक। बोले कुछ जो ज़्यादा विशेष भक्त हैं उनके लिए कमरा भी हो जाए। बोले हम विशेष वाले में नहीं हैं, हम तो इसी में हैं आपके, बस उसी में लेट रहेंगे, लौटते पोटते रहेंगे और सेवा करते रहेंगे। तो हमने कहा मेरे लिए तो सभी विशेष हैं। अरे बोले विशेष हैं ठीक है, लेकिन गुरु के दरबार में जैसा मिल जाए उसी में रह लेना चाहिए, उसमें कोई झंझट नहीं। तो हमने कहा ठीक है। तो उसकी सलाह भी समझ में आ गई मेरी। तो बोला अगर इतना बड़ा आप छत वाला हाल बनाओगे, करोड़ों में खेल जाओगे और इसमें 10 लाख हम निपट जाओगे, काम चालू हो जाएगा, अगले साल गुरु पूर्णिमा में उसमें निवास हो जाएगा। उस सलाह देकर सुबह विदा हो गए। तो हमने कहा हे होशियार आदमी, कितने भक्त अच्छी सलाह देते। और मैं भक्तों से कहता हूं आप संकोच मत करिए, हमें जो सलाह देना हो हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। और जिस दिन जो व्यक्ति खुद ही मान लेता है मैं बहुत बुद्धिमान हूं, उसी दिन से उसका विकास रुक जाएगा। तुम जितने बुद्धिमान हो उतने हो, लेकिन दूसरे की बुद्धि से भी फायदा उठा लो, तब तुम और ज्यादा बुद्धिमान कहलाओगे और ज्यादा आगे बढ़ोगे। दूसरे की बुद्धि से भी काम लेना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी अपनी फील्ड में बुद्धिमान होता है, कोई व्यक्ति सभी फील्डों में होशियार नहीं होता है, नहीं। सबसे घर में भी सलाह ले लो, घर में एक व्यक्ति को मास्टरमाइंड जो बुद्धिमान है उसको चुन लो और उसकी बात को हंसते हंसते मानो, उसका मनोबल बढ़ाओ। आज मुझसे एक भक्त कह रहे थे कि हम 3-4 बार मरने गए लेकिन मर नहीं पाए। तो हमने कहा जब मर नहीं पाए तो जी कैसे पाओगे ठीक ठाक? बोले जी भी नहीं पा रहे ठीक ठाक, मर भी नहीं पाए। तो हमने कहा क्यों मरने गए? बोले लंबी कहानी है, बाद बताएंगे। तो हमने कहा थोड़ा बता दो। कहनी ये हमारी जो वाइफ है ये हमारी हर बात काटती रहती है, हम कहते हैं आम तो ये कहती है इमली, और हम कहते हैं अनार तो ये कहती है अमरूद, हम बोलते हैं भैंस तो ये कहती हैं गधा। तो ये सभी इनका हमारा यही झगड़ा चल रहा है, और झगड़ा करते करते 20 साल हो गए। तो अब मन वो भी गवाह है, अब सोचे थे मरीन जाए तो ठीक है। तो उनकी पत्नी भी बैठी थी पास में, फिर वो रोने लगे, दुखी हो गए। तो मैंने उनकी पत्नी को समझाया कि बेटी पति का जीवित रहना एक नारी का सौंदर्य है, आभूषण है, शोभा है, शान है, गौरव है। इसलिए पति के बिना तुम्हारी जिंदगी बुझा हुआ दीपक हो जाएगी, इसलिए इनको ऐसा तुम बात मत लड़ाओ, तर्क को तर्क मत करो। बोले आज से नहीं करूंगी। मैंने कहा आप भी फालतू बात मत करो वाइफ से, घर में बहुत संभल कर बोलना चाहिए, क्योंकि घर के लोग परमानेंट श्रोता हैं आपके, और ज्यादा उलझ जुलुल प्रवचन सुनाओगे तो सुनेंगे नहीं, फिर सुनते सुनते उब जाएंगे फालतू बकवास। इसलिए सीमित सुनाओ, कम शब्दों में सुनाओ, सार्ट में सुनाओ, थोड़ा सुनाओ, और उनका भी सुनो, क्योंकि घर का बच्चा बच्चा वक्ता है, सब अपनी अपनी कथा सुनाते हैं, छोटे बच्चे भी सुनाते रहते हैं, बहुएं भी सुनाती हैं, सबकी कथा सुनो, सबकी राम कहानी अलग अलग है, किसी की राम कहानी है, कोई सीतक कहानी है, कोई राधा कहानी है, कोई कुछ कहानी है, सुनना पड़ेगा आपको, सुनाओ भी सुनो भी, तब बैलेंस बनेगा। तो शानंदम सदनम सुतास्त सुधिया, चाणक्य कहते हैं
जिस घर के बच्चे बुद्धिमान हैं, जिस आश्रम के शिष्य बुद्धिमान हैं, जिस गुरु के चेले बुद्धिमान हैं, जिस गुरुदेव के भक्त बुद्धिमान हैं, वह गुरु, वह आश्रम, वह घर, वह भवन मंगल भवन हो जाता है, आनंद भवन हो जाता है और वहां पर कोई दुख नहीं रह जाता है। इसलिए कृपया बुद्धिमानी से काम कीजिए। श्री चवन ब्रांड के जीवन में जरूरत के वृहद उत्पादों की श्रृंखला के साथ संपूर्ण उत्पाद आटा, पोहा, चाय पत्ती, बिस्किट, रस्क, नमकीन मसाले इत्यादि उत्पादों के साथ साथ आयुर्वेद के बेहतरीन उत्पाद भी, जिसमें कमर दर्द, घुटना दर्द, जोड़ों के दर्द, शुगर, बीपी, मोटापा इत्यादि विभिन्न रोगों की औषधियाँ भी है। इन सारे उत्पादों का अपने जिले में सुपर डिस्ट्रीब्यूटरशिप व तहसील डिस्ट्रीब्यूटरशिप या अपने गांव के स्वदेशी केंद्र के लिए आज ही संपर्क करें 9516264444 पर या 07745999 पर। श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र। श्री च्यवन आयुर्वेद पिछले 5 वर्षों में लगातार अपनी बेहतरीन औषधियों के द्वारा 1 लाख से अधिक लोग जो दर्द से बेचैन थे, उनका घुटना दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द को ठीक किया है। आगे हमारा यह प्रयास अनवरत जारी है। आप बिना किसी ऑपरेशन के अपना घुटना दर्द, कमर दर्द व जोड़ों के दर्द को आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ औषधियों के द्वारा ठीक किया जा सके, इसलिए आज ही आप अपने किसी भी प्रकार के घुटने दर्द को ठीक करने के लिए श्री च्यवन आयुर्वेद की औषधियों को अपने घर पर होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। आज ही ऑर्डर करें श्री च्यवन के अचूक औषधियों को। आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 7714599999, 7716755555। श्री च्यवन आयुर्वेद।